बदलने के बाद जिले के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। शासन प्रशासन एवं उनके शासन प्रशासन और उसके नुमाइंदे भी बेपरवाह और लापरवाह हो गए हैं। जिंदगी और मौत अब बेमानी हो चली है। ताजा मामला छतरपुर शहर का है, जहां जिला चिकित्सालय में भर्ती रोशनी आदिवासी की 1 साल की बिटिया रंजना आदिवासी को ब्लड न मिल पाने के चलते इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यहां बता दें कि 1 साल की रंजना को हाइपोथर्मिया और अनीमिया की बीमारी है, जिससे उसके अक्सर ब्लड की जरूरत होती है। उसके माता पिता अपनी बेटी को अभी तक 2-2 बार खून दे चुके हैं और अब वह खून देने में सक्षम नहीं है। अस्पताल प्रशासन ने भी खून देने से उन्हें इनकार कर रहा है। ब्लड बैंक का कहना है कि डोनर लेकर आओ, उसके बाद ही उन्हें खून मिल पाएगा। आलम यह है कि आदिवासी दंपत्ति का कोई परिजन भी यहाँ नहीं है, साथ ही इनके पास इतना पैसा भी नहीं कि रहने के लिए मैनेज कर सके। बच्चे के जिंदा रहने के दौरान बच्ची की माँ ने हमें पूरी बताओ और अपनी जरूरत भी बताई थी और देर शाम बच्ची ने दम तोड़ दिया। वहीं अब परिजन जिला अस्पताल प्रशासन और संबंधित डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं कि अगर समय पर उसे खून मिल जाता तो आज हमारी बच्ची जिंदा होती। वहीं जब इस मामले में प्रभारी सिविल सर्जन अधिकारी डॉक्टर आरपी पांडे से बात की तो उन्होंने हमारे द्वारा मामले को संज्ञान में लिए जाने और जांच कराने की बात कही। वहीं कलेक्टर ने बिल्कुल भी बात करने और फोन उठाने की जहमत तक नहीं उठाई, पर वो नहीं मिल सके। स्वाभाविक है कि जब जिला कलेक्टर ही लापरवाह है तो अधीनस्थों का क्या हाल होगा। पर दूसरे बच्चे दूर नहीं हो पाए, क्या हो गया? उन्हें जल्दी ब्लड मिलना चाहिए जिसको ब्लड की कमी है। क्या हो गया? हमारी बेटी तो हमसे दूर हो रही, पर दूसरी बाल बच्चा दूर नहीं होने चाहिए। किसी और माँ के ऊपर अतरे नहीं बीतने चाहिए जतरे हमारे ऊपर बीती सर। ब्लड न मिलने से हुआ? हाँ सर, हम बोल रहे हैं हमारी बेटी को तो नहीं मिला तो वो तो छीन गई, किसी और की जिंदगी अतरे बर्बाद नहीं हो गई सर। किसकी गलती से हुआ है सब? सर डॉक्टर की और ब्लड वालों की गलती से मेरी बेटी की जान गई सर। क्या हुआ आपकी बेटी को, क्या कैसे खत्म हो गई? हमारी बेटी का ब्लड नहीं मिलने की द्वारा से वो बहुत बीमार पड़ गई थी। कितने साल की थी वो आपकी बेटी? 1 साल की। 1 साल की थी? हाँ। क्या हुआ अस्पताल में, कितने दिन भर्ती रहे आप लोग? अस्पताल में हम लोग 4 महीने से फिर रहे सर। फिर क्या हुआ, क्या जरूरत पड़ी आपको? ब्लड की कमी पड़ी थी सर। पहले तो हमने भी अपना ब्लड दिया था 2 टाइम उसको, 2 टाइम हमारे देवर ने भी दिया ब्लड, 4 टाइम ब्लड दे चुके उसको, फिर भी ब्लड की कमी बता रहे थे डॉक्टर लोग। तो डॉक्टर से मांगा ब्लड तो क्या बोले? नहीं मिला था सर ब्लड। ब्लड बैंक वाले क्या कह रहे थे? हाँ गए थे ब्लड बैंक में? गए थे सर। क्या बोले वो? वो बोल रहे थे ब्लड नहीं है इधर इस ग्रुप का। कितने दिन से परेशान थे आप ब्लड के लिए? हम लोग 4-5 महीने से सर। 4-5 महीने नहीं, अभी कितने दिन से परेशान थे ब्लड नहीं मिल? 8 दिन से सर। 8 दिन से ब्लड नहीं मिल पा रहा था? नहीं सर। फिर क्या हुआ ब्लड न मिलने पे? ब्लड नहीं मिलने दिन द्वारा से हमारी बेटी मर गई सर। कितने साल की थी वो? 1 साल की थी, उसका नाम रंजना आदिवासी थी। क्या चाहती हो आप इस तरह से? क्या हम चाहते हैं सर, हमारी बेटी के साथ हुआ अतर किसी के साथ नहीं हो होना चाहिए। क्योंकि मैं जी परसों छुट्टी पर था जी, हमारी जानकारी में नहीं है और मैं जानकारी लेता हूँ जो जिसको इंचार्ज बना के गया था उससे पता करता हूँ। अगर ऐसे वैसे होता नहीं हमारे यहाँ, अगर ब्लड है तो वो तो दिया जाता है। जैसे कि बताया गया उसको थैलेसीमिया नाम की कोई बीमारी थी जिससे ब्लड लगता था, उसमें आपको फ्री ब्लड दिया जाता है। उसका संभावना ये हो सकती है कि उस ग्रुप का ब्लड हमारे यहाँ उपलब्ध ना हो, बाकी सबको फ्री दिया था। अगर इस तरह का दोष पाया जाता तो किस तरह की कार्रवाई होगी? नहीं, अगर ब्लड होगा और नहीं दिया होगा तो कार्रवाई होगी, पहले हम पता लगा लें। अगर नहीं होगा तो ब्लड नहीं होगा तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हेल्प ले सकते, उसको रेफर कर देते हैं।